दोस्तों का सबका नाम का भी कैसा इसके रिस्पॉन्स? देखिए, परिवार ने कहीं ना कहीं साथ दिया जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना परिवार के साथ के तो ये करना असंभव था। पर जो सामाजिक एक ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चों के आश्रमों में जाकर डोनेशन दे दो, वहाँ पर पैसे दे दो, उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होना है। हमारा पर्पस सॉल्व तभी होगा जब समाज के सभी वर्गों को हम एक साथ इकट्ठा करके एक साथ अपनी खुशियों में शामिल कर सकें। तो ये बस एक प्रयास है अपनी खुशी को उन बच्चों के साथ बांटने का जिनको खुशी से अब तक कुछ कम मिलते हैं। मैम, ये आइडिया आपका था, सबका था, किसका? दोनों लोगों का। सर का आइडिया था, और जब मुझे मालूम चला शुरुआत में, मुझे लगा ये कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, ऐसे में शादी बहुत बड़ा इवेंट होगा, उसमें इतना बड़ा और इवेंट इंकॉर्पोरेट किया हुआ है तो कैसे मैनेज होगा। बट सारा मैनेजमेंट हमने अपने हाथ में लिया और हमने कहा कि हमें करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी तो क्या कैसे भी हो जाती है, तो हम ये मेन फंक्शन है। और फिलहाल कैसा लग रहा है? इतने सारे बच्चे हैं आसपास, शादी में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, सब अपनी ड्राइंग पेंटिंग में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, आगे इस तरह का कोई प्लान किया है? नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि जो बाकी मेरे बाद जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको नया क्या करना है। ये मैंने उनके लिए एक चैलेंज दे दिया है कि अब उनको भी अपनी शादी में कोई एक सामाजिक कार्य करके मेरे इस चैलेंज को पूरा करना है। थैंक यू सो मच सर।